तो ये रही हमारी चाय, साथ हो साथ रहे चावल। अरे कौन भौंक रहा है यहाँ पे ना। मैं अभी पढ़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं पढ़ने हो रहा था, मगर जब एडिटिंग पे बैठा ना तो सब कुछ भूल गया, मतलब कि लोग एडिट हो चुका है। लेकिन आजकल एक छोटी सी प्रॉब्लम हो रही है मेरे साथ, मैं दिखा देता हूँ। ये देखा है, मतलब कि 320 मेरे ब्लॉग की ड्यूरेशन होती है ना, वो 4-5 मिनट से आगे जा ही नहीं रही भाई जी। लेकिन इंशाल्लाह आज से जो आज ब्लॉग बनेगा ना, इसे थोड़ा सा बड़ा करते हैं। सो अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू द चैनल मजूद बसंत। कैसे हम सब, मैं कहता हूँ हरगिज़ से होंगे। तो आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, सबसे पहले आप चेक करें टेम्परेचर गर्मी का। होय होय होय, एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये घास के हालात चेक करें। घास तो माशाल्लाह निकल रहा है, प्रॉब्लम ये है कि मतलब कि बहुत जगह से सूखा है, एक टाइम पानी दे रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम बन रही है। तो यार जैसे कि आपको पता है, गाड़ी नहीं रही, मतलब ये फर्स्ट कार थी जो हमारे पास 2 साल से रही है। इससे पहले जितनी भी गाड़ियाँ आई हैं वो हमारे पास 6 मंथ या 8 मंथ ही रहती थी। गाड़ी जाने का दुख बहुत ज़्यादा है मुझे। मैं सोच रहा था व्लॉग बनाऊं कि ना बनाऊं, क्योंकि अभी एक हो चुका है तो क्या मतलब कि क्या वीडियो बन पाएगी। लेकिन नहीं कहा, मैंने कहा नहीं, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा ना, वीडियो को बनाते हैं। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता कि उन्होंने तकलीफों नाल डील करना होता है। तो भी ऐसे ना तरबूज निकला है खराब टोटली सारा, ये भाई कल लेके आया था लेकिन सारा ही खराब है, तो अभी इसे फेंकने का वक्त आ गया है। अच्छा अभी ऐसा ना, गाड़ी सेल करने की जो मेन वजह थी ना वो थी पैसा, मतलब कि हमें अर्जेंट पैसे चाहिए थे बहुत जरूरी, जिसकी वजह से गाड़ी को सेल कर दिया। जिस दिन मेरा पहला पेपर था, मतलब कि मंगल को, उसी दिन गाड़ी सेल हुई थी। दिन को वीडियो इसी वजह से नहीं बनाई, उन्हीं दिनों में मेरे एग्जाम भी चल रहे थे जो कि अभी चल रहे हैं, और साथ साथ यूनिवर्सिटी के ब्लॉग्स की टाइमिंग लगी थी। मैं नहीं चाहता था कि वो टाइमिंग टूटे, इसलिए मैंने संडे का कन्फर्म सोचा हुआ था कि संडे को ही बनाएंगे। वैसे तो मेरा प्लान था फ्राइडे को वीडियो बनाने का, मगर वहां पर हम लियाकत साहब आ गए तो उनकी वीडियो बनाना बहुत ज्यादा जरूरी था। भाई जी पढ़ाई नहीं हो रही, बैठ बैठ के ना सोच के कि कैसे पढ़ूं। कौन है ये लोग? क्योंकि टोटल मैंने 3 क्लासें ली थी इस टीचर की, तो अभी प्रॉब्लम ये है कि मुझे एक लफ्ज भी नहीं आता। डाटा तो मैंने मंगवाया फरहान से लेकिन पढ़ने नहीं हो रहा कि कैसे पढ़ूं। तो एक दो बंदों की मैंने मिन्नतें की हैं कि शाम को मुझे थोड़ा सा पढ़ा देना, अगर उन्होंने पढ़ा दिया मेहरबानी है, अगर नहीं पढ़ाया तो कोई बात नहीं, कल पेपर हो जाएगा, पेपर तो हो जाएगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। और एक बात बताता चलूं, ये देखो यार व्हाइट हो चुके हैं बाल आपके भाई के, मतलब कि टोटली व्हाइट, जवानी गुजरी है, खत्म, बाय बाय। मेरे दिन इतने बुरे चल रहे हैं ना, अभी तरबूज काट के लाया वो भी खराब, खुद सोच सकती हो कि क्या हालात है। 2 hours later मैंने वो लोग बनाते बनाते सो गया था, तो यार अभी सोया उठा, अभी सबसे पहले नहा के रेडी हो जाते हैं क्योंकि मुझे जाना है काम में 6 बजे और टाइम बहुत चुका है। ओए होए होए, ये देखो तो यार एकदम से मौसम चेंज हो चुका है। सो वेलकम बैक टू दी वी लॉग, मतलब कि अभी मैं रेडी हो चुका हूँ, बहुत सख्त तूफान आ रहा है बाहर, तो मैंने खाना खा के किधर जाना है आपको पता है, काम पे, तो चलते हैं काम पे। लेकिन थोड़ा सा खाना खाना तो बनता है, चाय भी पी लेते हैं। तो अभी बहुत सख्त तूफान आ रहा है भाई जी, तो फटाफट से चावल खत्म करते हैं उसके बाद चलते हैं काम पे, और साथ साथ बाइक की चाय भी बन चुकी है, तो दोनों काम तो हो चुके हैं, पहले चावल खा लेते हैं। टेबल किधर गया? तो ये रही हमारी चाय, साथ और साथ रहे चावल, तो फटाफट से चावल खाते हैं और चाय पीते हैं, चलते हैं काम पर। तो यार अब वक्त आ चुका है काम पे जाने का, अगर गाड़ी होती ना तो इस तूफान में मैं ऐसे नहीं जाता, मगर क्या करें मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा नहीं। तो ये बाइक यहाँ पर आ गया था, तो दिन को नहीं था मेरे पास क्योंकि एक ही है, तो प्रॉब्लम बन रही है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, हमेशा से गाय चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मौसम खूबसूरत हो चुका है, अच्छी बात है, वाकई नज़ारा खूबसूरत है, सही बात है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, लेकिन जब मजबूरी हो ना तो ऐसा हो जाता है, अक्सर मैंने देखा है, लेकिन आज मज़ा ही आ गया, सही बात है कह रहा हूँ। आज इतना तूफान आया है, तो जब भी कभी तूफान आए ना तो गाड़ी होती थी, प्रॉब्लम नहीं होती थी। अभी आपका भाई घर आया तो सोचा थोड़ी सी वीडियो ही बना लें, क्योंकि मौसम इतना सुहाना हुआ है ना, तो मतलब कि वीडियो बनाना तो बनता है ना। हे माशाल्लाह माशाल्लाह, बारिश लगना शुरू हो गई है, और जिसकी वजह से आज लोगों को पानी नहीं देंगे क्योंकि बारिश हो रही है तो ज़रूरत नहीं है।